जनपद चमोली में एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घायल को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद शाह ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि मामला थाना चमोली अंतर्गत कोस पोथनी गांव का है, जहां घायल और आरोपी दोनों एक ही विभाग में कार्यरत हैं। दोनों रात को एक शादी समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान संचित तिवारी ने मनमोहन सिंह पर चाकुओं से हमला कर दिया। वहीं मामले में घायल की बहन रेखा देवी के शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चमोली से संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। चमोली क्षेत्रांतर्गत एक विवाह समारोह में दो युवक जो कि आपस में मित्र भी थे और साथ ही विवाह समारोह में गए थे, उनके मध्य किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उसमें चाकूबाजी की घटना हुई है। एक पीड़ित का उपचार जिला अस्पताल में हो रहा है, जिसकी स्थिति खतरे से बाहर है। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हमारे पास रात को लगभग 12:30 बजे के करीब मनमोहन नाम का पेशेंट आया है। शादी समारोह में पेट में और छाती में और हाथ में, लेफ्ट वाले हैंड में कुछ स्टैब इंजरी थी, चाकू से बताई जा रही थी। तो इंजरी जो प्राइमरी इंस्पेक्शन के दौरान देखी तो इतनी डीप तो नहीं थी, और इसके साथ ही हमने छाती का एक्सरे भी करवाया, पेट का अल्ट्रासाउंड भी करवाया, पेट का एक्सरे भी करवाया, और बाकी भी हमने जांचें जो करी थी उसके हिसाब से कोई गंभीर किस्म की बीमारी तो नहीं लगी थी। कुछ किस्म की थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रही थी जो कि इमरजेंसी में ही टाँके लगवा करके रोक ली गई थी। बाकी मरीज़ की स्थिति, मरीज़ क्योंकि देहरादून का रहने वाला, देहरादून का निवासी है, तो देहरादून जाने का चाहता है, और एक इसमें सीटी स्कैन भी करवाना चाहिए, तो क्योंकि हम एक सीटी स्कैन चाहते हैं, तो इसके लिए मरीज़ को एक बार देहरादून में हार्ट सेंटर के लिए हम एक बार रेफर करना चाह रहे हैं। वैसे देखा जाए ओवरऑल मरीज़ की स्थिति काबू में है, बेहतर है, और उसकी बीपी, पल्स रेट और जो ऑक्सीजन लेवल है वो नॉर्मल है।